पंखे की हवा, मतलब कनाडा में ना और दुबई में भी यही चीज मैं मिस कर रही थी कि यहाँ पे ना ये पंखे की हवा नहीं मिलती है। 4 साल हुए कनाडा में आए हुए, अभी देखना कि टेबल फैन खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर इस बार वैसे हम कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ नहीं रही, लेकिन 3-4 दिन से ना रात को इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि एसी सारा दिन चलता है ना, फिर भी रात को ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ और चाहिए, ये एसी से काम चल नहीं रहा। तो अभी जाकर हम लोग ये टेबल फैन खरीद कर लाए हैं कि क्योंकि ये पोर्टेबल है कि चलो नए घर में जाएंगे अब 1 महीने के बाद तो वहां पर भी लेकर जाएंगे। और ये पंखा चलाकर 3-4 दिन से जो सो रहे हैं और नींद आ रही है ना भाई, भाई साहब 4 साल वो नींद नहीं आई है जो पंखे की हवा में नींद आ रही है। आपको बताया था ना कि हमारे नेबर्स ने भी अपना घर फेल कर दिया है, तो उनकी आज की क्लोजिंग डेट है। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग वेल, पैकिंग हो गई है उनकी सारी। मतलब हम लोग देखो द फर्स्ट पीपल जब हम यहाँ पर आए थे तो उनसे बात बात की थी, और ट्रक आया हुआ है अब, 2 men and a truck, बहुत बड़ा ट्रक है। इन्होंने भी जो नया घर बाय किया है उसकी क्लोजिंग सेम डे की ली है, तो फैंसिंग का सारा सामान अपने नए घर में ही जा रहा है। इस बार हमारे ये फ्लावर्स सबसे लेट आए हैं, पता है ये 2 जो प्लांट्स हैं ना ये इतने ब्यूटीफुल हैं कि पूरे भर जाते हैं ऐसे, ये वाइट वाले फ्लावर्स, इनका नाम मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पक्का पता होगा कमेंट से बताओ। बट आई लव दीज फ्लावर्स, ये इतने बड़े बड़े ना बोल की तरह बन जाते हैं, गॉबलेट्स की तरह। और मैं देख रही थी कि सबके आगे हैं यार, हमारे ही नहीं आए, तो मुझे लगा था कि यार सीजनल होते होंगे शायद, इस बार हमारे आएंगे ही नहीं। अब जाने का टाइम आ गया है, हमारा भी लेस देन 1 month रह गया है और अब ये फूल आ गए हैं। चलो 1 महीना तो एंजॉय करेंगे। और ये देखो अब क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं घर, तो जो भी फालतू का सामान है जो उनको शायद नहीं चाहिए अपने नए घर में नहीं लेकर जाएंगे, तो वो ऐसे कप पे रख देंगे, फ्री टू टेक फॉर एनीवन, जिसको भी चाहिए यहाँ पर आकर लेकर जाए। और ये कनाडा में बहुत लोग करते हैं, हमने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है कि कनाडा में ये कल्चर है कि अगर आपको कोई सामान नहीं चाहिए, आपके लिए वेस्ट हो गया बट वो गुड कंडीशन में, आपने कप पे रख दो और कोई भी आकर ले जाएगा फ्री। अभी हमने देखा था 2 दिन पहले यहाँ पे बिल्कुल एंट्री पर, हमारे इस क्रिफिन में एंट्री पे एक घर सेल के लिए आया हुआ है, तो उन्होंने भी अब वो किया था, डाउन साइजिंग करी थी, घर को क्लीन वगैरह किया था, तो इतनी ब्यूटीफुल बड़ी सी कंप्यूटर टेबल ना उन्होंने उसके ऊपर फ्री लिखकर कप पे रखी हुई थी कि जिसको ले जानी है ले जाओ। तो ठीक है, ऐसा चलता है, जब चीज़ें बेकार नहीं है गार्बेज क्यों कर देना है उसको, और अगर चीज़ें परफेक्ट हैं तो आपको आईकिया में जाके पैसे खर्च क्यों करने हैं, ले सकते हो कब से वैसे, ऐसा नहीं है। ए माँ, क्या बना रहे हो बेटा आज? मैं टाइटन स्को वाला पोस्टर पे पेंटिंग कर रही हूँ। टाइटन वाला पोस्टर? अच्छा टाइटन्स गो। अच्छा तो ये जायंट पोस्टर आपको मिला कहाँ से है? आपको इसे पता, इनको टाइटन्स कहते हैं भाई। यू वॉच द शो, और ये सारे कलर्स हैं आपके पास, यहाँ से देख के बना रहे हो? छोटे छोटे टॉयज के होम बनाए हैं, बट इनका बाहर ऐसे रहेगा कि पेंट करेगी तो उनके घर को कि यही दिखता रहेगा कि अंडों के ट्रे में रहते हैं, पेंट करके स्विमिंग पूल है बिना वॉटर का। शाम की चाय बन गई? चाय की जगह ये बन रहा है। ओह क्या है, रूह अफ़ज़ा? हमने डिसाइड किया है कि अब से जब तक मतलब समर्स हैं, चाय की जगह रोज हम ठंडा ठंडा कुछ पिया करेंगे, शाम को दिन में चाय, शाम को ठंडा ठंडा।
तो ठंडे ठंडे में कैसे एक रूह अफ़ज़ा आएगा भाई? फोर क्या है? नहीं, रूह अफ़ज़ा के अलावा नींबू पानी बनाएंगे हम, कभी कभी मम्मा को बियर भी पिलाऊंगा ठंडी ठंडी। शर्म करो शर्म, मम्मी ने कान मरोड़ देने आपके। यस बेटा, यू कैन पुट वन। हमारे इंडिया पाकिस्तान की ट्रेडिशनल ड्रिंक, सदियों से चलती आ रही है जो। एमा, डू यू वांट दिस? इट्स सुपर यम्मी है, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। ये हमारे बचपन में ना, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी। कोल्ड ड्रिंक तो जब आई ना, कोक ने ऐड करनी शुरू करी, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ। उसके बाद से सब बिगड़ गए। और वो पेप्सी आया था, पेप्सी, वो यूथ तो ऐसे बावला हो गया पेप्सी के पीछे। मतलब थम्स अप की ऐड आई थी, वो सलमान खान कहता था टेस्ट करो कौन सा टेस्टी है। यूथ को ये लगता था कि पेप्सी नहीं पिएगी ना तो यंग होंगे नहीं। वहां पे आराम से बैठकर पियो, ठीक है? हाउ इज इट, ये तो बता। गुड गुड, यम्मी तो नहीं बोला तूने? गुड यम्मी। तो आज घर में बने थे राइस, दाल चावल खाए हमने आज, क्योंकि बताया था ना कल की आटा खत्म हो गया तो अब तक लेने नहीं गए। तो अभी ना जो जो चीजें लेनी है ना हमने, वो सारी इंडियन ग्रोसरी शॉप वाली है चीजें। जैसे कि हमें लेना है सौंफ, आशीर्वाद का आटा चाहिए अमित को, और हमें चाहिए गुड़, और क्या चाहिए हमारे को, और चाय पत्ती खत्म है तो चाहिए वाघ बकरी की चाय सिर्फ, ठीक है? तो ब्रैमटन वाले वॉलमार्ट से मोस्टली सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बोल्टन वाले वॉलमार्ट में नहीं मिलती। तो यहाँ से अगर हम किसी ब्रैमटन के वॉलमार्ट जाएंगे या फिर पंजाबी इंडिया बाजार जाएंगे, उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग भी बनाया मैंने, सेम ही पड़ेगा, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट एक बार वहाँ पर चलते हैं। और हमें अपनी सिटीजनशिप की फाइल भी देकर आनी है, क्योंकि सारी रेडी कर ली है, बस पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करा कर आनी है। 9 बजे तक खुला पोस्ट ऑफिस, और दोनों चीज़ें पास पास ही हैं। तो जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, अपनी सिटीजनशिप की फाइल लगाएंगे, इंडिया बाजार से चाय पत्ती, नींबू, धनिया, आटा, ये सब कुछ उठाएंगे, और घर आकर कुकीज़ बनाएंगे। कल कुकीज़ नहीं बनाई थी, कुकीज़ बनाएंगे भाई। एमी ने प्रॉमिस किया अपने फ्रेंड को कि मेरे हाथ की बनी हुई कुकीज़ लेकर आएगी वो उनके लिए। टॉर्चर टॉर्चर। अच्छा, खा भी रहे हो रोज टॉर्चर भी? वो खाना भी तो टॉर्चर है, जबरदस्ती खिला रही है तुम। गाना चाहते मत गाना, मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो अब ये शॉपर्स ड्रग मार्ट में, इसके अंदर ही कनाडा पोस्ट होता है, वहाँ पे इसको सबमिट कराते हैं क्विकली, एंड देन जाएंगे इंडिया बाजार। वेलकम। ओह सी द क्यू। अमित को तो लगता है नो यहीं पे बच जाएंगे वो फाइल सबमिट कराने में, तो अब शॉपर्स ड्रग मार्ट आए हैं तो मैं उसका फायदा उठा लेती हूँ। मेरा काजल खत्म हुआ पड़ा है तो काजल ढूंढती हूँ अपना, यहाँ पे मेबलिन का काजल यहाँ पे पक्का मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने मेबलिन यूज किया था ना, और वो मैं देख कर मुझे पता चल जाएगा कौन सा है, और देखते हैं यार और क्या मिल रहा है यहाँ पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा खड़े खड़े लाइन में? तो मुझे तो मेरा मेबलिन का काजल मिल गया, लेकिन अमित अभी भी लाइन में लगे हुए हैं यार। तो प्लान में अब हो गया थोड़ा सा चेंज, टाइम हो गया 8:44, और 9 बजे तक सारी जो स्टोर्स वगैरह हैं, ग्रॉसरी स्टोर सब बंद हो जाते हैं। तो अब गाड़ी उठाकर अगर पंजाबी इंडिया बाजार जाएंगे तो 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे, स्टोर बंद हो जाएगा। तो शॉपर फ्रग मार्ट के बिल्कुल फादर चलो फ्रेशको, वैसे यहाँ फ्रेशको है ग्रॉसरी स्टोर चेन, लेकिन चलो फ्रेशको जब आपको मिल जाए ना, वैसे ब्रैमटन में मिलता है चलो फ्रेशको, ब्रैमटन ही आ गया शायद अब। चलो फ्रेशको पे आपको इंडियन ग्रॉसरीज भी मिल जाती है काफ़ी हद तक, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि हम भी चलो फ्रेशको पहली बार जा रहे हैं। तो चलकर देखते हैं, आटा तो पक्का ही मिल जाएगा यार, सौंफ मिलते हैं कि नहीं मिलते, गुड़ मिलता है कि नहीं मिलता, ये देखते हैं 15 मिनट में क्या क्या ले पाएंगे वो भी देखते हैं। वाटरमेलन है क्या? वाटरमेलन का साइज तो देखो और शेप। ये वाटरमेलन का फैमिली पैक है, देखो। नहीं, ये नेबरहुड पैक है। नेबरहुड पैक, राइट। पहली बार आया यहाँ पे, लेकिन ह्यूज ग्रॉसरी स्टोर है यार, ह्यूज। ये एप्पल है क्या है? ये वो है आड़ू। बड़े रेड रेड है यार। टमाटर चाहिए ही चाहिए थे, नींबू चाहिए ही चाहिए थे, दो चीज़ें तो मिल गई हैं। अच्छा, ये तो पैक का है 499 पैक का, मुझे लगा एक नींबू 499 का है। चलो मिल गया, आटा भी मिल गया यहाँ तो। मतलब ये 9 kg है, 9.07, मतलब 9 kg हुआ ये, 10 kg नहीं 9 kg। इन्फ्लेशन के चक्कर में इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, बट 1 किलो आटा निकाल दिया इसमें से। भाई चलो फ्रेश को ना पूरा देसी है,
सारी देसी ग्रोसरी मिल रही है यहाँ पे, देसी घी और वो शक्कर भी मिल रही है देखो। तो सिर्फ इंडिया बाजार ही नहीं है, हम चलो फ्रेशको पर भी आ सकते हैं। ये अगरबत्ती स्टैंड देखो कितना क्यूट है। चाय का बर्तन ले लो यार प्लीज। इसे बड़ा चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। ग्रोसरीज तो बहुत दिखाई है मैंने आपको, बर्तन नहीं दिखाए कभी। सारे बर्तन मिल रहे हैं भाई, यूही में बोरा भरकर लेकर आई थी इंडिया से। ये वाला ले रहे, दिस इज फोर $10.99, मतलब $11 का हो गया। छोले बनाने के लिए काली कढ़ाई भी मिल रही है, काले छोले बनाने के लिए, जैसे हमारे पास है मार्बल का चकला, $14 का मिल रहा है। 2 किलो का वेट होगा इसका, ये 2 किलो का वेट मैं इंडिया से लेकर आई थी अपने, उसमें रखकर मेरे पता नहीं कितने सूट और आ जाते हैं। तो सिलवट्टा नहीं मिलेगा यहाँ पे। समोसा फैक्ट्री के समोसों के ना फैन ब्रैम्पटन में आपको बहुत मिल जाएंगे, और ब्रैम्पटन के बाहर भी। हम भी कभी कहीं जाते हैं ना ब्रैम्पटन के बाहर, तो लोग हमें कहते हैं यार ब्रैम्पटन समोसा फैक्ट्री के समोसे ले आओगे, तो यहाँ पर हो तो कभी ट्राई करो। क्या लगता है सॉस मिलेंगे यहाँ पे? मिलेंगे तो सही, मिलेंगे हाँ, हमें बस पता नहीं है कहाँ पड़े होंगे, बट होंगे जरूर, किसी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। चलो ढूंढते हैं फिर। सेल में चल रही है 9.99 की, वैसे पूरे $10 की आती है। उठा लो यार एक बॉक्स उठा लो। पर अब लेना था बाघ बकरी चाय, और सेल में देखिए रेड लेवल, तो भाई अपनी लॉयल्टी बदल दी। अब बाघ बकरी ना मिले तो क्या करें, एक उठा लो। अब यहाँ पक्का मिलेगा, हम ढूंढ ही गलत जगह रहे थे। इंडियन स्पाइसी का कॉर्नर तो ये है भाई। चलो फ्रेश को नाम है, चलो इंडियन सारी चीजें मिलनी चाहिए, चलो इंडियन वर्ड है। अभी एक चीज दिखाऊं क्या, वो भी यहाँ पे मिल रही है, ये देखो लिमका थम्स अप, लिमका थम्स अप और फेंटा। वाओ एक वो बंटे वाली बोतल नहीं मिल रही। ओ वाघ बकरी, ओ वो 999 की है, ये 1299 की है, $3 एक्स्ट्रा है। हाँ पर ये 907 ग्राम है, वो कितनी है? 900 ग्राम, 7 ग्राम का फर्क है। चलो वाघ बकरी तुम्हें पी रहे हो घर पे, इस बार रेड लेवल ट्राई करो, $3 बचाओ। इन्फ्लेशन को हम ऐसे ही बीट करेंगे अपने ब्रांड्स बदल बदल के। जहाँ पे आप करेले घिया टिंडे और भिंडी मिल जाए, फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कनाडा में मैंने एक बार भिंडी नहीं बनाई अभी तक। नहीं ऐसा नहीं है, बनाई होगी, मैंने किसके हाथ की खाली? गुड्डू जी से खाई होगी। हैप्पी राखी एवरीवन, राखी आने वाली है, और एमी को भी फैमिली के लिए राखी लेनी है। पता नहीं कितने साल हो गए मुझे मेरे भाई को राखी बांधे हुए, कितने साल, 10 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मतलब 10 तो हमारी शादी को हुए, 2 राखी तो गई होंगी मैं, बट 7 साल तो पक्का हो गए होंगे उसको राखी बांधे हुए को। ये ना कितनी क्यूट राखी है गर्ल्स के लिए, वो जो अपने बैंगल के नीचे बांधती है यार, ब्यूटीफुल। मुझे ये बड़ी क्यूट लग रही है यार, यहाँ पे अभी मैंने एक देखी थी, ये देखो फैम में चीकू में से किसी को भाई सुपरस्टार बांध रही है। दिखाना कौन सी है भाई? सुपरस्टार, सुपरस्टार ही हैं मेरे भाई। YouTube चैनल है उनका भाई। मेरी राखी तो मेरी छोटी बहन ही मेरे भाई को बांध देती है हमेशा मेरी तरफ से। भाई का MS है वो, इतना लंबा मैं रखूंगा भी नहीं, काट दूंगा। लेकिन एमी की तरफ से मैंने फैम और चीकू के लिए 2 राखियां ली हैं, मतलब बच्चे हैं ना तो बच्चों को फंकी फंकी राखियां अच्छी लगती है, तो एक भाई बेस्ट ब्रदर और एक की भाई सुपरस्टार। अब ये एमी को चूज करना है कि वो कौन से भाई को बेस्ट ब्रदर देगी और कौन से भाई को भाई सुपरस्टार देगी। अपील कराते हैं लेट हो गए। $100 चैलेंज, इट विल बी लेस देन $100। $50 चैलेंज, इट विल बी मोर देन $50। ठीक है, मोर देन $50 है, एक लिमका ले लो मम्मा के लिए। आप मत पीना मम्मी की। हाँ मम्मा ने आज बोला था इसलिए मैं ले रहा हूँ।
अच्छा लिम्का बोला था क्या? बोला मम्मा ने बोला लिम्का बड़ी अच्छी लगती है मम्मा को, मम्मा ने ये बोला था कि लिम्का अच्छी लगती है। आप मत पीना फिर। मैं नहीं पीऊंगा, मम्मा के लिए ले रहा हूँ मैं, मेरे लिए कोक ले लो। $5-15 तो जैसे कि मैंने गेस किया था, इट्स मोर देन $50 बट लेस देन $100। टोटल बिल आया है $60.76 का। पहली बार आए हम लोग आज चलो फ्रेश को, पर बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे पता है दिस इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट टाइम। गाइस समोसे देखो कैसे कैसे हैं। पनीर टिक्का समोसा, पालक पनीर समोसा, आलू टिक्की, वाह। चलो अभी तो जल्दी में है, फिर आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। दो मेरी विंडो खत्म हो चुकी है, बट आज मैं 60 टेक कर लीजिए, बट मेरे फ्रेश ऑरेंज जूस पीने का मन कर गया। वो दो काट दो, ये फ्रेश जूस है, ऑरेंज जूस पड़े हैं, फुल फोकस करिएगा। ये देखो फ्रेश जूस बनकर आ रहा है, या वो ऑरेंज आ रहा है, स्क्वीज हो रहा है। ओह वाओ, या सच में बड़े छिलके के साथ स्क्वीज हो रही है। एक सिप तो दे सकती हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग तोड़ दी है इसके लिए। कैसा है कैसा? जैसे मैं एक घंटे की ईटिंग विंडो मेंटेन कर रही हूँ, और मैं 4 घंटे ही कर रही बिना मतलब में, मतलब 6-7 खाया, 2.5 घंटे का गैप लिया, 9:30 बजे जूस पी लिया। चलो वो छोड़ो सारी बातें, कैसा है? जैसे हम घर में बनाते हैं। मैं नहीं मानता, आई विल ट्राई। अपना और ले लो। क्या है? तो अगर आपको भी $5 का ऑरेंजेस का फ्रेश जूस पीना है और इस चलो फ्रेशको पर आना है, तो ये एयरपोर्ट रोड और कंट्री साइड मेजर इंटरसेक्शन पर है ब्रांचन में, कभी भी आओ। और ये मैं भूला कि मैंने बताया था। लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इट वॉज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो।